जय श्री आराम दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं हमारे आज के इस वीडियो में। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और अगर आप लोगों ने इसके लास्ट पार्ट को नहीं देखा है तो वो पार्ट आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन में देखने को मिल जाएगी। तो ये तो फाइनल पार्ट है ही, इसका तीन लगभग दो तीन पार्ट और भी है, तो उनको और ये जो है अपकमिंग जो भी हमारे चैनल में आर्ट कमीशन आने वाला है तो उसके ऊपर मैं एक अपडेट देने वाला हूँ, तो लास्ट तक ध्यान से सुनते रहो। तो यहाँ पे कैसे ड्रॉ करना, पहले जो है आपको कोई भी लेयर करना है तो उससे पहले सबसे पहले मैं जो है ऑयल अप्लाई किया है। तो ऑयल आपको कौन सा ऑयल लेना है वो भी देखना होगा, तो जैसे कि जिसका कोई कलर ना हो उनमें से एक है कोकोनट ऑयल, निहार ऑयल, जस्मिन ऑयल, बेबी ऑयल, तो इनका कोई जैसे वाटर कलर वाटर की जैसा ही उसका रंग कह सकते हैं या फिर कोई रंग नहीं, तो उस टाइप का ही आपको ऑयल लेना है। और ऑयल आपको ब्रश से अप्लाई करना है एक जगह पे। ज़्यादा अच्छा रिजल्ट होगा अगर आप जो है ऑयल सूखने के एक घंटे बाद ड्राइंग करो उस पर। अगर तुरंत ड्रॉ करोगे तो उसमें जो है आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है अगर आप बिगिनर हो तो, इसलिए मैं तो फिलहाल जो है तुरंत ही स्टार्ट कर देता हूँ, पर आप जो है थोड़ा सा रुकना उसके बाद ट्राई करना, ठीक है। इसके बाद जब आप इसके ऊपर कलरिंग करो तो यहाँ पे दो तरीका है, एक तो जो है लाइट टू डार्क तक जाना है, एक है डार्क टू लाइट। तो दो तरीका वैसे जैसे फर्स्ट लेयर में आपने लाइट कलर जो भी कलर आपको दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे जो टी शर्ट में ड्रॉ कर रहा हूँ या फिर क्लोथ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो वहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे कलर आप लोगों को दिखेगी बहुत सारे। इसलिए सबसे पहले ऑरेंज कलर, ब्राउन कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर, डार्क ब्राउन कलर, इस तरह से कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने जो है उल्टा किया है, जैसे कि रेड कलर अप्लाई किया है उसके बाद ब्राउन कलर अप्लाई करूँगा, उसके इससे जो है जो भी लाइट कलर होगा इससे भी वो कलर यूज़ करूँगा। तो इससे पहले मैं जो है जो डिटेलिंग करना है थोड़ा बहुत डिटेल्स को थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, इसलिए जो है इसके लिए कलर पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, डोम्स कलर पेंसिल। और इसके बाद यहाँ पे मैं ऑरेंज कलर भी अप्लाई कर रहा हूँ। ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि आप इसी तरीके से आपको ड्रॉ करना होगा और इस तरीके से नहीं, आप किसी भी तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, पर आपके बस आपके पास जो है आपके आप यहाँ जो है पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। जल्दी जल्दी करोगे जितना भी जो भी ट्रिक लगा लो आर्टो कप का अच्छा नहीं हो पाएगा, ये सबको पता है, आपको भी बहुत अच्छे से पता है, पर फॉलो नहीं करते हैं इसलिए ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे भी जितना आप एक आर्टो को जितना पेशेंस रखोगे कुछ ना कुछ तो आपका आर्टो पहले से पहले के मुकाबले जो अपने जिसमें आपने इतना पेशेंस नहीं रखा है तो उसके मुकाबले ये आर्टो आपका 10 गुना ज़्यादा बेटर होगा। बस पेशेंस जो है चाहिए। तो यहाँ पे डार्क ब्राउन कलर, उसके बाद यहाँ पे इस तरफ जो है थोड़ा सा डार्क ज़्यादा है तो हेयर जो है उतना डार्क मैंने नहीं किया है, तो आप चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे मैं अब लास्ट में जो है वाटर कलर अप्लाई कर रहा हूँ, वाटर कलर से ही जहाँ पे भी जो कलर है उस पर वही कलर अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे कि रेड जहाँ पे है वहाँ पे रेड कलर का ही जो है वाटर कलर अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद तुरंत फिंगर से आपको ब्लेंड कर लेना है, ज़्यादा टाइम तक रुकोगे तो वहाँ पे जो है कलर सूख जाएगा, उसके बाद ब्लेंडिंग करोगे तो अच्छे से नहीं हो पाएगा, होगा भी तो वहाँ पे कलर जो है वहाँ से निकल सकता है जो भी आपने पहले लेयरिंग सेटिंग ब्लेंडिंग करके रखा है। यहाँ इस तरफ जो है थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे वाटर कलर का व्हाइट कलर ही यूज़ कर रहा हूँ। जिस तरफ जैसे ब्लू कलर है तो वहाँ पे वाटर कलर का ब्लू कलर, व्हाइट है तो व्हाइट कलर, तो इस तरह से आपको करते जाना है। और आप इससे भी ज़्यादा टाइम इस आर्टवर्क में, इस जो फाइनल पार्ट है ये लगभग जो है दो तीन घंटे का आर्टवर्क आपको देखने को मिला है। तो जैसे हम जो है इससे पहले जो भी कलर किया था तो उसके बाद जब फाइनली मैंने वाटर कलर अप्लाई किया तो आर्टवर्क में थोड़ा सा जो है चार चांद लग गया, तो इसलिए मैं कहता हूँ, इसलिए इसके ऊपर मैंने वीडियो भी एक आप लोगों के लिए बना दिया है कि जो है वाटर आप ऑयल पेस्टल कलर यूज़र हो या फिर कलर पेंसिल यूज़र हो, तो जो भी आप इन दोनों जो भी हो तो आपके पास जो है वाटर कलर होना ही चाहिए। देखो वाटर कलर बाकी सब कलर को, जैसे कि आप एक महिला या फिर लड़की हो, आप कितना भी जो है सुंदर हो, अगर आपके को जो है चार जो भी गहने हैं ज्वेलरीज पहना जाए तो आपका सुंदरता तीन गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक उसी तरह यही इसमें भी वही फॉर्मूला ले लो। तो लास्ट में जो है यहाँ पे जो डिटेलिंग करना है थोड़ा सा डार्क करना है तो यहाँ पे मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, चाहो तो HB 2B 4B से भी कर सकते हो प्लस, अगर नहीं है तो मैकेनिकल पेंसिल जो है हमारे जो मैं आर्ट कमीशन के बारे में कुछ कहा था तो आर्ट कमीशन में जो ये रेफरेंस फोटो होने वाला है नेक्स्ट आर्ट कमीशन में 99% चांस है कि यही रेफरेंस फोटो होने वाला है, तो अभी से ट्राई करके रख दो, तो जो है
अरे आपको दिक्कत कम होगी अगर आप दोबारा से भी ड्रॉ करें तो, इससे आपका बेटर ही होगा अगर पहले ड्रॉ करके रखा है आपने तो। इसलिए हम जितना एक ऑटो को ड्रॉ करते हैं उसमें जितने बार आप ऑटो कोई भी रेफरेंस ड्रॉ कोई भी चीज़ ड्रॉ करोगे आपका स्किल उतना ही इम्प्रूव होगा, पहले से बेटर होगा। पहले क्या, पहले जो आपने ऑटो ड्रॉ करके रखा था उसको अगर अभी अभी आपने रिसेंटली जो उसी रेफरेंस फोटो को ड्रॉ किया है या फिर कोई भी ड्रॉ करें तो उसमें जो है आपको डिफरेंस बहुत ज़्यादा दिखेगा, इम्प्रूवमेंट, स्किल इम्प्रूवमेंट दिखेगा, बहुत कुछ से आपको देखने को मिले। आप खुद ट्राई करो तो पता चल जाएगा। या फिर ब्लेंडिंग कर रहा हो पहले डार्क कलर यूज कर रहा हो, जहाँ पे हाईलाइट है तो उसको छोड़ के ही डार्क कर रहा हो, उसके बाद जो है हाईलाइट है वहाँ पे व्हाइट कलर, अगर व्हाइट हाईलाइटेड पार्ट है तो व्हाइट कलर, येलो जैसा है तो येलो कलर अप्लाई कर रहा हूँ। तो कलर भी मैटर करता है कहाँ पे कौन सा कलर है। तो यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे मैं दोबारा ही जो है ब्लू कलर अप्लाई किया है मैंने, उसके बाद इसे ब्लेंड करके डार्क करने के लिए ब्लैक कलर अप्लाई कर रहा हूँ, जहाँ पे भी थोड़ा बहुत ज़्यादा डार्क है उस जगह पे, बाकी जगह पे जो है इसे रहेगा। और कॉटन मर्सी या फिर फिंगर से ब्लेंड कर दूंगा, उसके बाद इनको हाईलाइट करूंगा वाटर कलर से, वाटर कलर का वाइट कलर से आपको हाईलाइट कर देना है। तो यहाँ तक अगर वीडियो को देख रहे हो इस टाइम पीरियड को जरूर ऐड करना, नहीं तो तभी मुझे पता चलेगा कि आप मेरे अच्छे व्यूअर्स हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम। नेक्स्ट क्या डर करूँ ये भी कमेंट में बता सकते हो।